छोटे पठान है हमारे साथ, जानते कैसे? पठान इज बैक, भारत माता की का, जिन्होंने फ्री में इतना प्रमोशन कर दिया। और बॉयकॉट गॉन्ग गैंग थैंक यू जितना इतना प्रमोशन करने के लिए शाहरुख का। मौसम बिगड़ गया, मौसम बिगड़ गया लखनऊ का, है ना, फुली एकदम भाई। अब इनको नहीं, आपको भाई कोई आपत्ति हो? अरे क्या आपत्ति, कुछ है ही नहीं आपत्ति। भी एकदम औसम है, सुपर डुपर हिट है। किसी की भावना आहत नहीं हुई है पिक्चर में, कुछ गलत नहीं है। अगर एक इंसान देशभक्ति में कोई चीज कर रहे है तो वो सब देश के लिए कर रहा है, ये नहीं कि उसने अपने लिए कुछ करा हो, पूरे देश के लिए उसने करा है। और जो ये मूवी देखेगा उसको खुद पता चल जाएगा कि पठान का असली मीनिंग है क्या। नाम भी ना जाइए, उसके काम पे जाइए कि उसने करा क्या है। एक नंबर मूवी है ये पठान। बहुत ही शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है और बढ़िया काम दिखाया है। जो विवाद हो रहा था ये कुछ नहीं है, और सबने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी। पिक्चर में ऑडियंस को बांध दिया है। कितने नंबर? 10। और एक छोटे पठान हमारे साथ, जानते कैसे? पठान इज बैक, भारत माता की वाले। एक बार मूवी आके देख लो भाई, बहुत जबरदस्त मूवी है यार, बहुत जबरदस्त। शान हिंदुस्तान शाहरुख खान, एक नंबर मूवी है ये पठान। कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेके, क्या फिल्म बायकॉट बता रही है, और फिल्म बायकॉट बता रहे हैं लोग, बायकॉट बता रहे हैं, लेकिन तहलका मचा करके जाएगी। शाहरुख खान की मूवी है, किंग खान है वो। कितनी कमाई? रुको, किंग खान 500 करोड़ तो यूं ही क्रॉस। जो ये कह रहे थे फ्लॉप हो जाए। मेहमान नवाजी के लिए पठान आ चुका है, किंग अच्छा। तो एक चीज और है, कहते कंट्रोवर्सी तो लाल सिंह चड्ढा पे भी हुई थी, वो क्यों नहीं चली? अरे उसमें स्टोरी नहीं थी ना, वो नहीं चली। इसमें स्टोरी में दम है, इसमें मिनट मिनट की बात छोड़े, सेकंड पे मजा आया है। मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया था शाहरुख खान को। और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते, तो हम लोग के अंदर हिंदुस्तान का एक वजूद है पूरा, तो हम लोग को ये मूवी जरूर अच्छी लगी। मेहमान नवाजी के लिए शाहरुख खान को बुलाया गया था, पूरी मेहमान नवाजी करी गई है भाई की। सलमान खान ने बहुत अच्छा काम करा है, छोटा सा ज्यादा उनका बड़ा रोल। अच्छा तो कौन किस पे भाई, सलमान का कैमियो था, लेकिन सलमान था या शाहरुख, किस पे नजर है? नहीं है तो शाहरुख, असल में ये YRF का स्पाई यूनिवर्स है, तो अब इसमें धीरे धीरे जो भी किरदार है वो थोड़े ऐड करेंगे। 4 साल का वेट वसूल था, 4 साल वसूल, एकदम वसूल, पैसा वसूल, 4 साल टाइम भी वसूल। वनवास का टाइम खत्म हुआ है, अब देखिए कब तक हो, क्योंकि अभी साल भर में उनकी 2 मूवी और आने वाली है। क्या लगता है आगे भी ऐसे ही धमाल करेगी? शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स, बस ना उसके बाद है ना कोई आएगा उसके बाद। अच्छा जो विवाद हो रहा था जिन सीन को लेकर, क्या वो हटाएगा? वो पागल है, वो पागल है। अगर आज की जनरेशन में ऐसी बात करेंगे, सिर्फ याद है, टाइम वेस्ट। और कोई सीन नहीं काटेगा, देखिए सीन नहीं है, फुली डेडिकेटेड देशभक्ति मूवी बना, कोई इसमें गलत चीज है। परिवार के साथ देखिए, परिवार के साथ मजे लीजिए, अच्छे सीन से, कोई दिक्कत नहीं है ना, फुली एकदम। जब इनको नहीं, आपको भाई कोई आपत्ति हो? अरे क्या आपत्ति, कुछ है ही नहीं आपत्ति। लाइक मतलब भाई भाभी को भी लेके आ सकते हैं, भाभी मौसी मामा। तो भाई अच्छा एक सवाल और, दीपिका पादुकोण का आपको कैसा लगा? उनका सपोर्टिंग रोल इतना जबरदस्त किया उन्होंने, उसके रोल में थोड़ा सस्पेंस भी आया कि अभी वो शाहरुख खान की तरफ